रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पुरानी रंजिश में बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, एक की मौत। पुरानी रंजिश में बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, एक की मौत। बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे मुकस्बे के इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के पास पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने सपा नेता पर हमला बोल दिया। चार पहिया वाहन से आए हमलावरों ने सपा नेता की गाड़ी पर दर्जनों राउंड गोलियां बरसाई। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल से महज 200 मीटर दूर थाने में भी पुलिस सहम गई। गोलियां बरसाने के बाद हमलावर मौके से वाहन में सवार होकर भाग निकले। इस घटना में 4 लोग घायल हुए, जिनमें सपा नेता के भतीजे की इलाहाबाद ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बरगढ़ निवासी सपा नेता उग्रसेन मिश्रा बुधवार को सीएमओ से मिलने के लिए मुकसबा आए हुए थे। उनके साथ चार पहिया वाहन में भतीजा दुर्गेश मिश्रा, पुत्र अनुरुद्ध मिश्रा, मुनु पांडेय व अंकित शुक्ला भी साथ में थे। सीओ से मुलाकात करने के बाद वे अपने वाहन से वापस घर के लिए निकले। तभी थाने से महज 200 मीटर दूर पहले से घात लगाए चार पहिया वाहन में सवार असलहों से लैस हमलावरों ने सपा नेता के वाहन में ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आसपास मौजूद दुकानदार व लोग इधर उधर जान बचाने के लिए छिप गए। लोगों में भगदड़ भी मच गई। हमलावरों की गोली उग्रसेन मिश्रा के भतीजे दुर्गेश मिश्रा के सिर पर लगी। वहीं उग्रसेन सहित 2 अन्य लोगों को भी मामूली छरे लगे। हमलावर असलहे लहराते हुए अपने वाहन से इलाहाबाद की ओर भाग निकले। हमले के कुछ मिनट बाद ही मू पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ मू व एसओ सत्यपाल सिंह ने हमलावरों का पीछा किया। इधर खून से लथपथ सभी घायलों को CHC मू लाया गया। भतीजे दुर्गेश की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे इलाहाबाद रेफर कर दिया। उसकी इलाहाबाद ले जाते समय शंकरगढ़ के पास मौत हो गई। एसओ सत्यपाल सिंह का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते अहिरी प्रधान अनिल द्विवेदी ने अपने पिता पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू अहिरी के खून का बदला लेने के इरादे से अपने साथियों के साथ मिलकर सपा नेता पर हमला किया है। जल्द ही सभी हमलावर पकड़े जाएंगे। इधर घटना की जानकारी मिलने पर SP मनोज कुमार झा भी मौके पर पहुंचे। SP ने घटना स्थल का जायजा लेने के साथ ही लोगों से जानकारी ली। SP ने कहा कि हमलावरों को जल्द पकड़ा जाएगा। घरों में दबिश दी गई है, हमलावर भागे हुए हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त, सपा जिलाध्यक्ष अनुज सिंह यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण जिला व तहसील मुख्यालयों में खुलेआम घटनाएं हो रही है। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में फेल है। कहा कि दिन दहाड़े जानलेवा हमला करने वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए।